इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां हरियाणा यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता प्रभारी दीपक बावरिया करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा यूथ कांग्रेस पदाधिकारी शिरकत करेंगे इसमें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, हरियाणा यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में हरियाणा यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी प्रिया करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और चुनाव को किस तरह से लड़ना है, किस तरह से चुनाव में जीत हासिल करनी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर रणनीति बनाई जानी भी शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी शुरू हो गया है और अब हरियाणा यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की ये बैठक जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, उसमें किस तरह से रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से चुनाव को लड़ना है, ये तमाम बातें होंगी जिस पर मंथन बैठक में होगा। थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत होगी और सबसे बड़ी बात, अध्यक्षता बैठक की प्रभारी दीपक बावरिया करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा यूथ कांग्रेस पदाधिकारी शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा होगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, क्या जानकारी, कितनी ज्यादा अहम ये बैठक मानी जाए, चूंकि विधानसभा चुनाव भी अब काफी नजदीक है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी क्रम में यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी की ये बैठक अब बुलाई गई है, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है ये? बिल्कुल, अगर बात करें तो जिन जिन राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है, उन राज्यों की बैठकें कांग्रेस के द्वारा बुलाई जा रही हैं और युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके द्वारा उन राज्यों की युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है, जिसमें आज की अगर बैठक की बात करें दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 12:30 बजे ये बैठक शुरू होनी है, जिसमें युवा कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उनको बुलाया गया है, उनके साथ इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बैठक की अगर बात की जाए तो युवा कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी होंगे प्रदेश के, वो मौजूद रहेंगे। हालांकि युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीवासन वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें इस बैठक में कांग्रेस के सांसद जो है रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा वो इस बैठक में पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया जो है वो इस बैठक में पहुंचेंगे और विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर के चर्चा की जाएगी, पार्टी की किस तरीके की आगामी किस तरीके से पार्टी को आगे चुनावी तैयारियों के लिए चलना है और खासकर युवा कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी इन चुनावों में, किस तरीके से उन्होंने बूथ स्तर पर जाना है, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जी दीपक जी, लगभग कितने बजे तक बैठक की शुरुआत हो जाएगी और क्योंकि यूथ कांग्रेस की ये बैठक है, इस बार जिस तरह से जीत लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली है और जो कॉन्फिडेंस उसके बाद कांग्रेस का डेवलप हुआ है, उसको देखते हुए किस तरह से जो युवा है उनमें जोश भरा जाएगा, जो युवा कार्यकर्ता है उनमें जोश भरा जाएगा बैठक में? जी बिल्कुल, अगर बात करें युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो उनको, क्योंकि अहम भूमिका यूथ की वोटर की रहती है, ऐसे में वो कैसे नए युवाओं को, यूथ को, नए मतदाताओं को कैसे पार्टी से जोड़े, कांग्रेस से जोड़े, राहुल गांधी के साथ जोड़ सके, उनको लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, एक उनको उत्साह ताकि उनमें रहे उसको लेकर के यहाँ चर्चा की जाएगी। यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस के तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनको बुलाया गया है और इनको कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस बैठक में रहेंगे, दीपेंद्र हुड्डा होंगे, दीपक बावरिया होंगे, उनको तमाम लोगों को यही टास्क दिया जाएगा कि कैसे युवाओं के बीच जाना है, नए युवाओं को साथ जोड़ना है, तमाम लोगों के बीच जाना है, कांग्रेस की उपलब्धियों को लेकर के, बात सोच को लेकर लोगों के बीच जाना है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चलिए ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारियों के लिए।